प्रधानमंत्री जी जो भी कुछ कहते हैं उसका देश अनुसरण नहीं करता है। वो जो छक्का मारने की बात कर रहे हैं बिल्कुल औंधे मुंह गिरेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पे निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अंतिम बॉल पे हम छक्का मारेंगे, तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि उन्हें कोई अनुसरण नहीं करता है। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है। ने कहा था कि पान का दुकान खोल लेंगे लेकिन कभी आरजेडी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्या कहिएगा इसमें? अब उन्होंने तो कहा था कि हर परिवार के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, हर साल 2 करोड़ को नौकरी दिया जाएगा। और जब प्रेस और मीडिया के लोगों ने, आप ही लोगों ने पूछा उनसे कि 15 लाख रुपया खाते में कब जाएगा, तब उन्होंने कहा जुमला है। तो वैसे लोगों की चर्चा हम लोग क्या करें, जो जनता को भरवाने के लिए, जनता को ठगने के लिए, जनता को प्रभावित करने के लिए जुमला का इस्तेमाल करते हों, तो उनका जो भी वक्तव्य है, जो भी बयान है, वो जुमला ही है, ये देश की जनता समझती है। प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा है कि लास्ट बॉल पर छक्का मारेंगे। प्रधानमंत्री जी जो भी कुछ कहते हैं उसका देश अनुसरण नहीं करता है। प्रधानमंत्री जी अभी कर्नाटका के चुनाव में गए थे, अब बजरंग बली को याद किया था उन्होंने, तो बजरंग बली भी को मालूम हो गया है कि असली भक्त हमारे नहीं हैं, ये नकली भक्त हैं। तो बजरंग बली ने भी उतना ही बढ़िया से आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से वो आशीर्वाद मांगे थे, बैरन वापस उनको आना पड़ा और कर्नाटक में बुरी तरह से उनकी पराजित हुई। उसी तरह से वो जो छक्का मारने की बात कर रहे हैं बिल्कुल औंधे मुँह गिरेंगे। और 2024 में जो सोचे भी नहीं होंगे, जो सपना में भी नहीं सोचे होंगे, ऐसा परिणाम अपने भारत में, अपने देश में होगा। कल संसद में निशिकांत दुबे ने ललन सिंह और सोनिया गांधी के ऊपर तंज कसा। सोनिया गांधी को कहा है कि बेटा को सेट करना है और दामाद से भेंट करना, ललन सिंह पर गाना भी गाया, क्या कहना? नहीं, हमने, हम लोग जो लोग बात कर रहे हैं वो मंदिर के पुजारी बनना चाहते हैं। जितने लोग राजनीति में आए हैं, सामाजिक जीवन में, राजनीति में आए हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं? देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। निशिकांत दुबे जी इतना दानी हरिश्चंद्र है, तो जनता की सेवा करें, लोकसभा क्यों लड़ना चाहते हैं, पार्लियामेंट में क्यों जाना चाहते हैं? तो जो लोग उपदेश दूसरे के लिए देते हैं और अपने लिए वो कुछ सोचते नहीं है, ऐसे उपदेश दाता से देश सावधान हो रहा है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से मुक्त किया जाएगा। तो आपने सुना श्रवण कुमार सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी को अनुसरण करता ही कौन है। अगर उनका अनुसरण करता तो कर्नाटक में ये हाल नहीं होता, क्योंकि कर्नाटक में उन्होंने बजरंग बली का नाम लिया, लेकिन बजरंग बली को पता है कि उनका असली भक्त कौन है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।